हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूकर। आज हम आप लोगों के लिए पालक पनीर की रेसिपी लेके आई हुई हूँ। में मैंने 1 केजी पालक और 1/2 केजी पनीर यूज़ किया हुआ है। यहाँ मैंने सबसे पहले पैन गर्म करने चढ़ाया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाला है ताकि पनीर फ्राई हो सके। थोड़ा रेड होने तक मैंने पनीर फ्राई किया है। यहाँ पनीर फ्राई हो चुका है। अब मैंने उसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब देखिए, इसमें यूज़ होने वाली सामग्री, मसाले के लिए 2 से 3 लहसुन, 1 बड़ा सा प्याज और यहाँ जीरा, और ये देखिए गरम मसाला। वो हम पहले से बॉईल किए हुए पालक के साथ पीस लेंगे। मैंने पालक को कुकर में डाल के 1 सीटी लगा करके रखा हुआ था। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ाया है, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें मैंने जीरा 2 मिर्च डाला हुआ है। देखिए, जब जीरा और 2 मिर्च पक जाए तो उसमें मैंने जो कटे हुए प्याज रखे हुए थे उसे डाल करके हल्का रेड होने तक उसे फ्राई किया है। अब देखिए, मैंने मसाला तैयार करके रखा है, पालक भी तैयार हो गया है। अब यहाँ प्याज लाइट फ्राई हो चुका है। अब इसमें मसाला डालना है और मसाला को अच्छे से फ्राई करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर का यूज किया है। मसाला भूजा चले गया है, भुना गया है। अब उसमें मैंने पनीर डाला है और पनीर को अच्छे से मिलाएंगे मसाला के साथ। और उसे कुछ देर तक पनीर को मसाले के साथ थोड़ी देर तक भूनना है, और जब पनीर थोड़ा पक जाए 2 मिनट तक पनीर को मसाले के साथ भूने। उसके बाद पालक सारा मैंने जो ग्राइंड करके रखा हुआ था उसे डाल दें, और डाल करके अच्छे से मिलाएं। और 1 ग्लास मैंने इसमें पानी का यूज़ किया है। मैंने 1 ग्लास पानी दे करके इसे अच्छे से मिलाया है। अब इसे मीडियम लो पे 10 मिनट पकाएंगे। देखिए, उबाल आने लगा है और यहाँ पालक गाढ़ा हो चुका है और पनीर स्पंजी हो चुका है, यानी पालक पनीर बनके तैयार है। आपको अगर पालक पनीर की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब